कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
Hare Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna.
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। ज्या भक्तांनी प्रसाद कृपया करून प्रसादम कूपन घ्यायचं आहे, जिन भक्तों ने प्रसादम कूपन नहीं लिया होगा कृपया करके कूपन काउंटर से अपना प्रसादम कूपन कलेक्ट कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे सब भक्त बोलिए प्रेम से जोर से कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare
राम राम हरे हरे जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चहरी यमुना तीरावन चाहरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जान बल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चढ़ी
यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्य गौर हरि बो हरि बो हरि बो जय जय प्रभुपाद 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So in the Bhagavad Gita सारे भक्तों से अनुरोध है आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए और जो भी भक्तों ने मोबाइल फ़ोन लाए हो और अपने साथ अगर बच्चे हैं आपके तो ताकि मोबाइल के ऊपर भी ध्यान दीजिए ताकि वो साइलेंट पे रखें ताकि कथा में बाधा ना करें और जो भी छोटे बच्चे उनके पेरेंट्स को अनुरोध है कि आप भी आपके बच्चों के ऊपर ध्यान दें In the Bhagavad Gita, Lord Krishna begins first section, the first six chapters of the Bhagavad Gita, describing a progression in yoga. तो श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान श्री कृष्ण शुरुआत के छह अध्यायों में जो योगा किस योग पद्धति किस प्रकार से एक के बाद एक आती है उसका वर्णन करते हैं. We see in the Bhagavad Gita different yoga systems are described. Actually, before getting into yoga, Lord Krishna first of all describes about The process of karmakanda. तो गीता में अलग अलग योग का वर्णन आता है लेकिन उस योग के वर्णन के पहले भगवान श्री कृष्ण जो है वो कर्मकांड का जो सेक्शन है उसकी चर्चा करते हैं कर्मकांड इज वाज मोर प्रोमिनेंट दिस डेज इन हिंदू टेंपल्स यू गो टू अ टेंपल द ब्राह्मणस आर देयर एंड दे आर जनरली रिचुअलिस्टिक पीपल हम देखते हैं भारत में बहुत प्रधान है कर्मकांड अलग अलग मंदिर है
और उन सारे मंदिरों में हम देखते हैं ब्राह्मण जो होते हैं वो अलग अलग कर्मकांड करते रहते हैं. People come with material desires. और केवल अपने भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए. हिज शिक्षा अष्टकम प्रभु की. So people come to the temple with material desires. They have something they want very strongly, and they're coming to the temple to get help to achieve it. हम देखते हैं भौतिक जीवन में लोगों को बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होते हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो मंदिरों में आते हैं और उसके लिए सब प्रकार के कार्य करते हैं ताकि उनकी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती है मंदिर. So Lord Krishna, in speaking to Arjuna at one point, he also encourages Arjuna. In the karmakandi process, that he tells Arjuna that if you fight, then you can go to the heavenly planets. तो गीता के शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी encourage करते हैं कर्मकांड के लिए और वो कहते हैं कि तुम अगर युद्ध करोगे अगर मर भी जाओगे तो भी स्वर्ग को प्राप्त करोगे. Now Arjuna is a devotee. He doesn't really have a desire to go to the heavenly planets. तो अर्जुन एक बहुत अच्छे भक्त है और उनको स्वर्ग में जाने की कोई बहुत इच्छा नहीं है. And I hope none of you have that desire either. और मुझे आशा है कि यहाँ पे बैठे हुए सब साधकों के मन में भी स्वर्ग के भोग की इच्छा नहीं है. Why don't we want to go to heavenly planets? हमें क्यों नहीं जाना स्वर्गलोक? Because you go there, you can't stay there. You just go there for some time. You may go there for quite a long time, but then after some time you come back. क्यों नहीं हम जाना चाहते? क्योंकि अगर कोई स्वर्गलोक में भी जाता है तो भी उसकी अवधि निश्चित होती है. उससे ज्यादा समय वो वहां पे ठहर नहीं सकता, उसको निकलना पड़ता है वहां से. You may say, well, I will enjoy there the heavenly planets. It's so opulent, it's so very comfortable, very luxurious, sense gratification which we've never even dreamed about. तो कोई सोचेगा कि उसमें क्या बात है, अगर स्वर्ग में जाएंगे तो वहां के स्वर्ग के जो भोग है वो इतने अच्छे है और इतने सुंदर लगते हैं, इतना आनंद आता है कि उसको हम छोड़े, उस भोगों का भी हमें भोगना चाहिए. So, yeah, you can go there, but it's all temporary. It's not going to do you any real good. हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति जा सकता है वहाँ पे, लेकिन वो सब जो है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है और ज्यादा समय तक वो भोग रहते नहीं है. When you go there, you use up all your pious activities, and when your pious activities are all exhausted, you come back here. तो अगर कोई वहाँ पे जाता अपने पुण्य कर्मों के कारण और जब उसके पुण्य कर्म का क्षीण हो जाते हैं तो उसको फिर से वापस नीचे आना पड़ता है. What have you gained from it all? Have you had any real benefit by going there? तो फिर वहाँ पे जाके क्या प्राप्त किया, कुछ लाभ हुआ? Actually, there's no real benefit there. We've already been there before, but we've forgotten about it. तो वहां पे जाके कुछ फायदा नहीं हुआ है. और ऐसा नहीं कि हम पहली बार जा रहे हैं, कितनी बार पहले हम जाके आए वहां पे और भोग भोग के नीचे आए हैं. In previous lifetimes, we've already traveled through all of these different places. तो हमारे 84 लाख योनियों में कितनी बार हम अलग अलग इन लोकों में घूमे हुए हैं. Now we've come to this earth planet, which is very important place in the universe. तो अभी हम ये पृथ्वी लोक पे आए हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. There's some special benefits being on this earth planet. और इस पृथ्वी लोक के बहुत विशेष महत्व भी है. And especially in this time, in the Kali Yuga, there's some very special benefits. और विशेष रूप से जो कलयुग है उसमें बहुत ज्यादा संधि आध्यात्मिक रूप से कलयुग में यहाँ पे प्राप्त होती है. But if we use our time just simply trying to go to heavenly planets, just to live a long life there, maybe enjoy the beauty of that place, it's all very temporary. लेकिन अगर हम हमारा समय केवल पुण्य कर्मों इसके लिए लगाएंगे ताकि स्वर्ग में जाके वहाँ का आनंद उठाए, भोग उठाए, खुशी से रहे, बहुत लंबी आयु जिए, तो उसमें कुछ लाभ नहीं है. And even in the higher planets, the demigods, the denizens there in heaven, they also have their problems, they also have their conflicts. तो हम देखेंगे स्वर्गलोक में जो बड़े बड़े देवता रहते हैं उनके भी कुछ समस्या है, उनमें भी कई सारे वाद होते रहते हैं वहाँ पे. And they always have to worry, when are the demons going to come and attack again? और उनको ये भी चिंता होती है कब ये असुर लोग आके आक्रमण करेंगे स्वर्गलोक के ऊपर. So we have to understand that is not the real goal of life, just simply going to the higher planets. तो ये कोई हमारा वास्तविक लक्ष्य नहीं कि केवल हम उच्च लोक स्वर्गलोक में जाके भोग भोगे. But Lord Krishna does mention it in the Bhagavad Gita. He tells Arjuna, yeah, go ahead, fight Arjuna, fight. Even you die on the battlefield,
you go to heaven, you go to the higher planets. तो श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार से कहते हैं शुरुआत में कि तुम युद्ध करो और युद्ध में अगर हम मर भी जाते हो तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त होती है तो भी आप स्वर्ग का लाभ उठा सकते हैं. But that is not the real goal of Lord Krishna speaking to Arjuna. Lord Krishna is going to teach Arjuna something much higher than karma kanda, much higher than simply going to the higher planets. तो केवल गीता में ये जो कर्मकांड का वर्णन आता है श्री कृष्ण ने केवल यही नहीं कहा है, आगे चल के वो बहुत उच्चतर योगों का वर्णन करते हैं और केवल स्वर्ग जो है और कर्मकांड जो है उसको फिर वो निषेध करते हैं. Lord Krishna goes on to speak about karma yoga. By doing karma yoga means activities, but performing activities in a detached manner. तो श्री कृष्ण आगे चल के कर्म योग का वर्णन करते हैं जिसमें हम जो भी कर्म करते हैं उसमें निरासक्त भाव से करें. As living entities, individuals, we all enjoy activities. We look for activities which give us pleasure. तो जीवात्मा का स्वभाव होता है कि हमेशा कर्म करते रहे और उस कर्म में आनंद उठाते रहे. But karma yoga is performing activities not thinking about what pleasure I'm going to get. लेकिन कर्मयोग का मतलब होता है कि हम जो भी कर्तव्य या कर्म कर रहे हैं उसमें हम भोग भावना से नहीं कर रहे. Karma yoga is working in a detached manner, offering the results for the pleasure of the supreme. तो कर्मयोग का मतलब होता है कि हम कर्म करें लेकिन उसमें कोई भी भोग भावना न रखे परंतु उसमें जो भी फल प्राप्त होता है कर्म का वो श्री कृष्ण को समर्पित करें. Bhagavad Gita, Lord Krishna describes that work done as a sacrifice for Vishnu should be performed. गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए जाते हैं वो करने चाहिए. If it's not done as a sacrifice for Vishnu, then we become bound to the reaction of work. अगर जो भी कर्म हम भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए यज्ञ के संतुष्टि के लिए नहीं करते तो वो कर्म बंधन बन जाते हैं. Becomes karma bandhana. We become stuck in this material world. और उस कर्म बंधन के कारण हम इसी भौतिक संसार में लचे पचे रहते हैं. So sacrifice, yagna is important. We want to offer the result for the supreme. तो यज्ञ बहुत आवश्यक है त्याग करना, लेकिन त्याग क्या करना है, जो कर्म के फल है वो भगवान को अर्पित करना. The problem is, who is the supreme? लेकिन समस्या ये कि सबसे परमोत्तम परम लक्ष्य सत्य कौन है. The karma yogi often doesn't know who is the supreme, who to offer the results to. और जो कर्म योगी होते हैं उनको बहुधा ये संशय होता है कि सर्वोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है. They just work in a detached way. लेकिन वो कर्म करते हैं देव निरासक्त भाव से करते हैं. Detached work is good, it's very purifying. तो निरासक्त निष्काम कर्मयोग जो है वो अच्छा 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 लाभ है उसका और ये शुद्धिकरण भी करता है हमारा. And we're encouraged in the, when we come to Krishna consciousness, this is a very good way to begin the Krishna conscious process. और जब हम कृष्ण भावना में आते हैं तो निष्काम कर्मयोग जो है ये बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है हमारे भक्ति योग के लिए. We see devotees coming, helping. Make flower garlands, and some other devotees are helping cleaning, mopping floors, sometimes helping go to the market, bringing bhoga. तो भक्त जब मंदिर में आते हैं सेवा करने के लिए तो कई सारे भक्त हार बनाते हैं फूलों का, कई सारे भक्त मंदिर की साफ सफाई करते हैं, कई सारे लोग मंदिर के लिए मार्केट में जाके परचेसिंग करते हैं अलग अलग सामग्री का. Sometimes we put on festivals, we need a lot of help, and people come forward to help. और हम देखते हैं बड़े बड़े जब उत्सव होते हैं जन्माष्टमी इत्यादि तो उसमें हमें बहुत आवश्यकता होती है मदद की और कई सारे भक्त श्रद्धालु जो होते हैं उस सेवा में भाग लेते हैं. We need a lot of volunteers and people come forward, they volunteer. That is actually karma yoga. तो बहुत सारे वॉलंटियर्स हमें लगते हैं बड़े बड़े उत्सवों के लिए और भक्त आते हैं मदद के लिए सेवा करते हैं और वो जो कर रहे हैं वो निष्काम कर्म योग है. But karma yoga is something which is there in many temples, not always temples of Krishna, not always where Lord Krishna is worshipped as the supreme. तो कर्मयोग केवल हमारे कृष्ण के मंदिर में इस्कॉन में नहीं होता, लेकिन अन्य भी जो भी मंदिर है देवताओं के उनमें भी कर्मयोग का अनुभव किया जा सकता है. There's a lot of impersonal or Mayavadi temples, and they will also ask you to do karma yoga. तो ऐसे कई सारे निराकारवादी मायावादी ब्रह्मवादी होते हैं मठ संस्था होती है और वो भी सबको कहते हैं कर्मयोग करने के लिए. You go there and they'll also say, you want to do some karma yoga today? फिर and वो they will invite you, do something, to do some service, help, clean, peel the potatoes.
cut the vegetables. तो फिर अगर ऐसे संस्थाओं में जब कोई जाता है तो वो भी यही पूछते हैं कि आप कर्मयोग करना चाहेंगे और फिर उनको अलग अलग सेवा में अर्पण करते हैं उनको, जैसे कि किचन में सेवा करना या अलग अलग जगहों में सेवा करते हैं. We have to understand there are different results from karma yoga. तो हमें ये समझना होगा कर्मयोग के फल अलग अलग हो सकते हैं. When we do karma yoga here, we do it for Krishna. We're offering the results to Krishna. जब कोई हमारे हरे कृष्णा मंदिर में आके कर्म योग करता है, उसके जो भी फल होते हैं, वो कृष्ण के संतुष्टि के लिए होते हैं. Everything is done for the pleasure of Madan Gopal here. और हर एक कार्य इस मंदिर से जुड़ा हुआ होता है, उसका उद्देश्य एकमात्र होता है कि श्री मदन गोपाल जी प्रसन्न रहे. Yeah, we have the divine couple, Radha Madan Gopal. So the devotees want to work in that consciousness that for their pleasure we're doing this work. तो हमारे मंदिर में यहाँ पे जुगल किशोर विराजमान है और उनके प्रसन्नता के लिए ये जो भी कार्य होते हैं वो उनकी सेवा के लिए होते हैं. But you go to some other place which is more impersonal and they're working, they're thinking ultimately everything is one and we just want the pleasure of the Brahman, enter into the oneness. लेकिन अन्य संस्थाएं जो होती है वो जो निराकार मायावाद का प्रचार करते हैं, जिनके लिए सब कुछ एक है और जिनको केवल ब्रह्म में लीन होना है, उसका आनंद की अनुभूति करनी है, उस भावना में वहाँ पे वो काम किया जाता है या कर्म सेवा की जाती है. Simply speak of the supreme. Who is the supreme? Oh, everyone is the supreme. It's all one. तो वो केवल सत्य की या परम सत्य की बात करते हैं. जब उनको पूछा जाए कि परम सत्य कौन है तो बोले सब परम सत्य, आप और हम सब परम सत्य है. One of the devotees was out doing book distribution one day and he met a young man who was telling him the same thing. He was saying it's all one. तो एक बार हमारे जो पुस्तक वितरक भक्त थे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और उनको एक युवा व्यक्ति मिले और उन्होंने पूछा कि देखो हम सब जो है परम सत्य है. Devotee was of course preaching Krishna is the supreme, he's the one supreme, and we are all his servants. तो हमारे भक्त जो थे वो बोलने लगे कि भाई कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परम सत्य है और हम सब उनके सेवक है. But this young man was arguing, no, it's all one, we're all one with God. तो ये जो युवा व्यक्ति उनको मिले थे वो argument करने लगे, नहीं नहीं हम सब एक है, सब भगवान है. I am you, you're me. हरे कृष्ण. The young man was saying to the devotee that it's all one. I am you and you are me. We're all one. We're all God. तो भक्त जिनको प्रचार कर रहे थे उन मायावादियों को बोल रहे थे कि आप ही मैं हूँ और मैं हूँ आप है और हम सब एक है, हम सब भगवान है, परम पुरुषोत्तम है हम. So the devotee said to the young man, oh really? He said, okay. If I am you and you are me, give me your car keys. तो हमारे भक्तों ने जब यह सुना तो वो कहा बहुत अच्छा है आपका, अगर आप ही मैं हूँ और मैं ही आप हूँ तो आपकी जो कार की चाबी है वो मुझे दे दो. So the man put, here, take my car keys. और जो फिर व्यक्ति थे उनको जीतना था आर्गुमेंट, वो बोले हाँ ठीक है ये मेरी कार की चाबी ले लो. And give me your wallet also. और फिर बोले कि आपका वॉलेट मुझे दे दो. So I give him the wallet. तो वो जो निराकार वाले थे उन्होंने अपना पर्स भी निकाल के दे दिया. And the devotee said, okay, thank you, bye bye. और हमारे भक्त बोले बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलेंगे बाद में कभी, और निकलने लगे. The young man was running after him saying, no, give me back my car keys, give me my wallet. तो ये जो मायावादी थे वो हमारे भक्त के पीछे भागने लगे. अरे बोले किधर लेके जा रहे हो, मेरी कार की चाबी दे दो, मेरा पर्स दे दो, आप किधर लेके जा रहे हो. Is it really all one? तो हमारे भक्त ने पूछा क्या सब एक है फिर हम. You see, when you put that philosophy to the test, you can see it doesn't stand the test. तो जब ये तत्वज्ञान जो लोग कहते हैं कि हम सब एक है, वो जब हम प्रैक्टिकली करना चाहेंगे तो बिल्कुल संभव नहीं होता वो. In Vrindavan, during the winter time, they do a lot of food distribution, and you get sometimes these sadhus come to, they also come to get prasadam. तो हमारे वृंदावन के मंदिर में प्रसाद वितरण बहुत होता है और विशेष रूप से जो ठंड के महीने होते हैं उसमें कई सारे साधु भी प्रसाद पाने के लिए आते हैं. So this one devotee very cleverly, he was serving the prasadam and then he came to this sadhu who he knew is a big mayavadi. और हमारे भक्त जो थे वो प्रसाद वितरण कर रहे थे सारे साधुओं को और विशेष रूप से जब एक साधु आए तो भक्तों को पता था कि ये बहुत बड़े मायावादी है. So he came and he put one grain of rice on his plate. तो हमारे भक्त जो थे उन्होंने चावल का केवल एक दाना उनको परोसा. And the sadhu, तो जो साधु थे मायावादी बोले रे क्या कर रहे, और दो इसमें, और चाहिए मुझे. But the devotee saying,
It's all one, Prabhu. It's all one, Baba. तो हमारे भक्त बोले कि बाबा जी हम सब एक ही है और सब एक ही है तो एक ही ले लो आप. No, he said, give me more. I want more. Give more. तो वो साधु चिल्लाने लगे कह रहे मुझे और चाहिए और परोसो मुझे आप. Why you want more? It's all one. It's all one. तो भक्त कहे कि आपको ज्यादा क्यों चाहिए सब एक ही है तो एक ही ले लो आप. So when it comes to prasadam, it's one and different, right? तो जब प्रसाद की बात आती है तो फिर एक नहीं रहता उसमें. And another time, the winter, they were giving away blankets to the sadhus. तो एक बार वृंदावन के ठंडियों में वहाँ पे सारे साधुओं को ब्लैंकेट्स बांटे जा रहे थे. So this again, another Mayavadi came. So then, instead of giving them a blanket, they gave them one thread. तो वो जो मायावाली साधु आए तो सब लोगों को वो ब्लैंकेट दे रहे, लेकिन वो जब आए तो केवल वो ब्लैंकेट का एक धागा निकाल के उनको दिया. Here's your blanket, Baba. Take this. और वो एक धागा निकाल के उनके हाथ में कहा कि बाबा जी आपका ब्लैंकेट यही है आपका. No, I want a blanket. Give me a blanket. फिर वो साधु चिल्लाने लगे नहीं मुझे ब्लैंकेट चाहिए आप मुझे ब्लैंकेट दो ये धागा मत दो केवल. But you say it's all one. What's the difference? Why you're not taking the thread? तो हमारे भक्त कहे कि आप भी कहते हैं कि सब कुछ एक है तो फिर धागा एक क्यों नहीं है तो आप धागे को क्यों नहीं लेते. So you can see that this idea that it's all one is just so nonsense, it's just so stupid, nobody can actually apply this. तो ये जो तत्वज्ञान तथाकथित है कि सब एक है ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण तर्क है और कोई उसका पालन नहीं कर सकता और उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकता. But Chaitanya Mahaprabhu has taught us the correct understanding that everything is one but at the same time different. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत ऊंचा तत्व ज्ञान दिया है कि हाँ सब कुछ भगवान से एक है लेकिन उनसे अलग भी है. Yes, we are one with God but we're not God. हम भगवान से एक है लेकिन हम कोई भगवान नहीं है. We're very tiny parts of the Supreme Lord. हम परम पुरुषोत्तम भगवान के एक छोटे से अंश हैं. He is infinite and we're infinitesimal. भगवान जो है वो विभू है और हम सब लोग जो है अणुमात्र है. So we have to understand the difference between the Supreme Lord and his living entities. तो हमें बहुत आवश्यक है समझना कि क्या फर्क है परम पुरुषोत्तम भगवान में और हम सब जीव आत्माओं में. We are the energy of the Supreme. We have an eternal relationship with him. हम भगवान की शक्ति है और हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है. We want to understand how to work in that relationship. और हमें यह समझना होगा कि उस संबंध को स्थापित करके उजागर करने के लिए कैसे कर्म करने चाहिए. So in doing karma yoga, it's important to do it in the association of devotees. तो कर्मयोग का पालन करना कब असरदार होता है जब हम भक्तों के संग में रह के कर्मयोग का पालन करें. Because the devotees will remind us that we are doing this for Lord Krishna. क्योंकि भक्त हमें बार बार स्मरण दिलाते हैं कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं वो श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं. We are serving Krishna here and we will go on one day to serve Krishna in the spiritual world. तो आज हम इस जीवन में इस शरीर में श्री कृष्ण की सेवा भक्तों के संग में कर रहे हैं और बाद में जब ये शरीर छूट जाएगा तो यही कृष्ण सेवा हम भगवान के गोलोक धाम में करेंगे. Krishna consciousness movement is to prepare us all to go back home, back into the kingdom of God. तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमें ये सिखाता है, हमें तैयार करता है ताकि हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकें. We have an eternal relationship with the Lord, but we have forgotten it. हमारा श्री कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध है, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं. And because we have forgotten that relationship, that is why we are suffering so much in this material world. और क्योंकि हम हमारा शाश्वत संबंध श्री कृष्ण से भूल चुके हैं इसीलिए हम इस जीवन में दुख पाते हैं और समस्याओं और कठिनाइयों को झेलते हैं. And out of compassion for all of us, Lord Krishna came to this world and spoke Bhagavad Gita. और हम सबके ऊपर करुणावश श्री कृष्ण अवतरित हुए और अवतार काल में उन्होंने गीता का संदेश हम सबको दिया. He is enlightening Arjuna and by speaking to Arjuna, he is addressing all of us. केवल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं संदेश सुना रहे लेकिन अर्जुन को सामने रखते हुए हम सब जीवों को जागृत करने के लिए गीता सुनाए. अर्जुन said, I am confused about my duty. I don't know what I should do. अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मेरा कर्तव्य क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है. This is our position in the material world. We become bewildered, we become confused. और यही हमारी भौतिक जगत में समस्या है कि हम भ्रमित होते हैं और हमेशा संशय में रहते हैं क्या करें क्या ना करें. What am I supposed to do? हमें क्या करना चाहिए? Which way to go? कौन से दिशा में जाना चाहिए? There's a famous book in English that they call it Alice in Wonderland.
तो इंग्लिश में एक बहुत जाना माना ग्रंथ है, उसका नाम है वंडरलैंड में अलिश. सो इट टेल्स अ स्टोरी अबाउट यंग गर्ल लिटिल गर्ल एलिस हु वॉक्स इनटू द वंडरलैंड. तो ये स्टोरी आती है कि एलिस नाम की छोटी लड़की थी, वो वंडरलैंड में प्रवेश करती है. एंड सो शी गॉट इनटू द वंडरलैंड एंड शी मेट सम पीपल एंड शी आस्क्ड व्हिच वे डू आई गो फ्रॉम हियर. और वो जब वंडरलैंड में प्रवेश करती है तो उसको पता नहीं कहाँ पे जाना है, तो जब वहाँ के लोगों को मिलती है तो पूछते कि मुझे यहाँ से कहाँ पे, कौन सी दिशा में जाना है. सो दे आस्क्ड हर वेयर डू यू वांट टू गो. और फिर वो पूछते कि अरे लड़की तुम्हें कहाँ पे जाना है. बट शी सेड वेल आई डोंट रियली नो. और वो बोलती है कि मुझे पता नहीं मुझे कहाँ पे जाना है. सो दे सेड वेल इट डजंट मैटर व्हिच वे यू गो डज इट. तो अगर आपको पता ही नहीं आपको कहाँ पे जाना है तो आप कौन से भी दिशा जाओ क्या फर्क पड़ने वाला है. इफ यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो इट डजंट मैटर व्हिच वे यू गो. अगर आपको पता नहीं है, हमें पता नहीं कि हमें कौन से दिशा में जाना है, तो क्या पूछ के फायदा राइट लेना या लेफ्ट लेना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी शुड ऑल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली वेयर वी वांट टू गो. तो हम सबको ये समझना होगा, आवश्यक समझना कि हमारा ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन का. जस्ट लाइक समटाइम्स प्रभुपाद वुड समटाइम्स स्पीक अबाउट the dog, how dogs are suffering so much in the body of the dog that it's not a very pleasant life. तो श्रील प्रभुपाद जी कई बार अपने प्रवचनों में डिस्कशन में ये कुत्ते का मुद्दा उठाते थे कि इस प्रकार से कुत्ते का शरीर कितना घिनौना होता है, उसमें कई सारे तकलीफें और समस्या होती है. But in America, dogs have a different position. लेकिन अमेरिका में कुत्तों को बहुत आलीशान ट्रीटमेंट मिलती है. And one young man said to Prabhupada, I don't think it's wrong to be a dog. I don't think anything wrong being dog. I think they have a nice time. तो प्रभुपाद जब इस प्रकार से प्रवचन कर रहे थे तो एक युवा लड़का उठ के खड़ा होगा और कहा कि प्रभुपाद अगर मुझे कुत्ते का शरीर मिल रहा है तो मुझे कोई दुख नहीं क्योंकि बहुत अच्छा लाइफ है कुत्ते का हमारे अमेरिका में. They're always running around and playing with each other and fighting and having fun with each other. तो सारे कुत्ते खेलते रहते हैं वहाँ पे एक दूसरे के साथ, उनका फाइटिंग भी चलता रहता है, प्रेम से रहते काफी. So if I become a dog in my next life, what's the problem? तो उसने प्रभुपाद को पूछा कि अगर अगले जन्म में मैं अमेरिका में कुत्ता भी बना तो क्या प्रॉब्लम है? So Prabhupada said, then you have my blessings. तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है भाई तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरे आशीर्वाद पूरे आशीर्वाद आपके साथ है. If that's your goal, go ahead, you know. तो यही अगर आपके जीवन का ध्येय है तो प्लीज आप आगे बढ़िए. Sometimes we have to learn things the hard way. तो कई बार हमें सीधी बात समझ में नहीं आती तो उंगली टेढ़ी होती है. Just like if you walk under a bale tree and you have a bald head and the bale fruit falls on your head, it's very painful. तो जैसे कभी कभी अगर आपको ये अनुभव हो कि कोई अगर बेल का वृक्ष है उसके नीचे से चल रहा है और ऊपर से पेड़ से बेल का फल अगर सर पे गिर जाए और टकरा जाए सर से, टेंगुल आ जाता है. So we learn from our mistakes, but it's better if you learn in the beginning without making mistakes and do things the right way. तो गलती करके सुधरने से अच्छा पहले ही क्या गलती हो सकती है इसको समझ ले और सुधर जाए तो बहुत अच्छा है वो. Just like if somebody in the beginning we're told don't steal, it's wrong to steal, if you steal you'll be punished. So hame bachpan mein sikhaya jata hai ki chori karna bahut galat baat hai, agar aap chori karoge to aapko dand milega. And somebody they're told not to steal but still they steal and they get caught and they're punished, they may be put in jail even, and then after they've been in jail one time then they don't steal again. तो ये सुनने के बाद भी अगर कोई सुधरता नहीं और चोरी करता है तो उसको दंड मिलता है, बहुत बार पुलिस उसको जेल में डाल देती है और फिर इतना सब होने के बाद वो समझ जाता है कि चोरी करना गलत बात है. And other people they steal, they go to jail and then they come out, they steal again, they go back to jail again, they never learn that it's wrong to steal. लेकिन कुछ प्रकार के लोग होते हैं कि भाई वो सुनते भी है चोरी करके, उसका अनुभव करके दंड भी मिलता है उनको, लेकिन फिर भी जेल में रहने के बाद वापस बाहर आते हैं, फिर से चोरी करते हैं और फिर से अंदर जाते हैं, लेकिन उससे कुछ भी सीखते नहीं है वो. But the intelligent person, normal person, will hear wrong to steal, they won't steal, they never have any problem, they don't suffer. तो एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो केवल सुन के समझ जाता है कि भाई चोरी करना गलत बात है, उससे दंड मिलता है, तो वो चोरी नहीं करेगा और सुख चैन से रहेगा. And so in the same way, Lord Krishna is speaking to us in the Bhagavad Gita, and he's enlightening us, he's teaching us about the nature of this world. उसी प्रकार से श्री कृष्ण हमें समझा रहे गीता के बारे में, किस प्रकार से गीता के आदेश के द्वारा हमें इस भौतिक जगत का जो स्वभाव है उसकी जानकारी मिलती है. And he's teaching us how we can get out of this world as well. और वो ये भी बताते हैं गीता में कि किस प्रकार से इस जगत से हम पार को हो जाएं. If you want to go. अगर हमें इससे पार होना है तो. If you don't want to go, that's your choice. Everyone's the individual.
तो अगर किसी को यही भटकना है तो भाई वो उसका खुद का स्वतंत्र इच्छा है और फिर वो भटक सकता है इस दुनिया में. So karma yoga, you can go one way, you can go to the impersonal and merge into the oneness and give up your individuality or think you're giving up your individuality. तो कर्म योग का एक रास्ता खुलता है, वो निराकार ज्योति ब्रह्म ज्योति की ओर जाता है. वहां पे कोई व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म में लीन कर दे और अपने अस्तित्व को वो खो दे जो कभी हो नहीं सकता. You enter into that oneness, there's no variety, there's no activity. It's not very pleasant. और ये जो मोक्ष या मुक्ति है उसमें कोई विविधता नहीं है, उसमें कोई आदान प्रदान नहीं है, वो नीरस है. But there's no suffering. लेकिन वहाँ पे कोई दुख नहीं है. But there's no pleasure, there's no real happiness there. तो लेकिन वहाँ पे विशेष रूप से आदान प्रदान का आनंद नहीं है. And there's no activities, but the nature of the soul is to be active. और वहां पे कोई कर्म भी नहीं कर सकता है, लेकिन आत्मा का स्वभाव है कि उसको हर क्षण कुछ न कुछ कर्म करना ही है. So entering into that oneness, merging into the oneness, it doesn't last for very long. तो जब कोई ब्रह्म में लीन होना चाहता है और हो भी जाए तो भी वो ज्यादा समय तक वहां पे टिक नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध वहां पे वो रहता है. Because our nature is being denied, being restricted. There's no relationships, there's no activities, and we yearn for these things. लेकिन क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कुछ न कुछ कर्म करते रहे, कुछ आदान प्रदान करे, संबंध बनाए, और ये सब कुछ वहां पे नहीं होता है, इसीलिए वो असंतुष्ट रहता है. So what happens to those who enter into that oneness? They come back again into material world. तो वो जो इस प्रकार से मोक्ष पाते हैं, निराकार में लीन होते हैं, उनका कुछ समय के बाद फिर से नीचे आना होता है. And sometimes in the same lifetime, we see the yogis, sometimes they achieve some level of liberation and they go off into the mountains, into the jungle or something, and after some years they come back. हम देखते हैं कि ऐसे कुछ योगी होते हैं कि जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं और गुफाओं में, जंगलों में, हिमालय में जाके बहुत तपस्या करते हैं और वहाँ पे वो मोक्ष का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर से इस जगत में आ जाते हैं. I met a young man. He told me he'd gone to live in a cave, and he lived in a cave for 3 months. तो एक युवा विद्यार्थी महाराज को बता रहे थे कि वो खुद ऐसी तपस्या के लिए एक गुफा में गए थे जंगलों में और वो 3 महीना वहाँ पे रुके. And he said after 3 months living in the cave, he had more material desires than he had in the beginning. और वो बोले कि 3 महीना उस केव में, उस गुफा में रहने के बाद मेरी भौतिक इच्छा पहले जितनी थी उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ गई. It's not the cure for the mind. क्योंकि मन के लिए वो उपाय नहीं हो सकता. So the yogis who achieve some level of liberation, they're not satisfied, they come back into this world and they will take up some welfare activities. तो ऐसे जो योगी होते हैं वो कई समय तक जंगलों में, हिमालय में रहते हैं, वहां पे कुछ मोक्ष की अनुभूति, बंधन मुक्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जगत में आते हैं और कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं, पुण्य कर्म करने का प्रयास करते हैं. They open a school or they open a home for the aged people, or may open a hospital, they may open a museum. तो एक तो वो पाठशाला खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, वृद्धाश्रम खोलेंगे या कोई म्यूजियम खोलेंगे, ऐसा ना कुछ कुछ समाज के लिए पुण्य कर्म करते हैं. We say, oh, well, there's no harm. Yeah, but there's, it's not spiritual. लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन ये कोई आध्यात्मिकता नहीं है इसमें. Just distributing food for the poor is not spiritual activity. तो केवल अन्नदान करना ये कोई आध्यात्मिक कर्तव्य कर्म नहीं है. And open a school and give mundane education, it's not spiritual. तो पाठशाला खोल के वहां पे लोगों को भौतिक ज्ञान प्रदान करना ये भी कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं है. So sometimes we see these yogis that although they had achieved some level of freedom from material desire, they're not able to fully engage in devotional activities. तो ये जो बड़े बड़े योगी होते हैं कि ये भौतिक इच्छाओं के पार जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कोई आध्यात्मिक इच्छा को अनुभव नहीं कर सकते, भक्तिमय नहीं हो सकते वो. Rather, their process is just negation. They stop all activities. लेकिन उनका जो मार्ग है वो केवल नेति का मार्ग है कि जो भी भौतिक है उसको त्याग करते रहो. See no evil, hear no evil, speak no evil, right? Like that. तो जैसे कहा जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो. So it becomes a bit boring after some time. You don't see anything, you don't hear anything, you don't speak anything. कुछ समय के ये बात बहुत बोरिंग हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा कोई कहे कि बुरा मत कहो, सुनो, बोलो,
तो कुछ समय के बाद उसको कुछ नहीं बुरे के अलावा तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता. We want activities, we need activities to satisfy the soul. हम सबको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी क्योंकि आत्मा का स्वभाव कार्य करता रहे वो. Where to get these activities? तो ये कार्य कहाँ पे करे वो? So the yogis will come back and they may open up some welfare work, do some welfare work, some material activities. तो फिर ये योगी आते हैं इस फिर से इस शहरों में और कुछ समाज सेवा का कार्य करते हैं. But they don't have spiritual activities. लेकिन उनके पास कोई आध्यात्मिक कर्म नहीं है करने के. If you want spiritual activities, you have to take up bhakti yoga. अगर आपको आध्यात्मिक कर्म करने हैं तो उसके लिए एक ही उपाय है, वो है भक्ति योग. So to get to bhakti yoga, we can go from karma yoga. We can immediately come to bhakti yoga. अगर हमें भक्ति योग को प्राप्त करना है तो हम कर्म योग से सीधा भक्ति योग को प्राप्त कर सकते हैं. But we see in the Bhagavad Gita, Krishna takes us through the yoga ladder, different processes, step by step, to come to bhakti yoga. लेकिन श्री कृष्ण गीता में भक्ति योग के लिए पहले योगा लैडर बताते हैं कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम अलग अलग योगा के योगा करते हुए भक्ति योग तक पहुंचे. In the beginning, doing karma yoga, detached work. तो सबसे पहले आप शुरुआत करो निष्काम कर्म योग से. But the karma yogi doesn't know who is the supreme. He's lacking knowledge. लेकिन निष्काम कर्म योगी जो है उसको पता नहीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, उसमें ज्ञान का अभाव है. But because he's doing karma yoga, because he's detached from work, because he's working in a very pious, humble way, he gets mercy. He attracts the mercy of sadhus. तो ये जो निष्काम कर्म योगी होते हैं वो कोई भी भोग कार्य के लिए भोग कामना के लिए कर्म नहीं करते, लेकिन एक कर्तव्य पथ पे रहते हुए कार्य करते हैं. तो उसमें एक बहुत अच्छा भावना है, बहुत अच्छा दृष्टिकोण है, और ये करते करते उनको साधुओं की कृपा प्राप्त होती है. And the sadhu will come and give him the book or read the Bhagavad Gita to him, or he will tell him about the higher process. He will give some knowledge to him. तो ऐसे साधु जब आते हैं तो वो उनको गीता पढ़ाते हैं, सिखाते हैं या उनको ग्रंथ देते पढ़ने के लिए, और इस प्रकार से साधु के संग में ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो ज्ञान के स्तर पे आते हैं. So in the beginning he's working doing karma yoga, but gradually he's coming to jnana yoga. तो शुरुआत में वो कर्म योग करता है लेकिन धीरे धीरे के आगे बढ़ के वो ज्ञान योग में स्थापित होता है. And with jnana yoga there's less physical activity and it's more mental activity. तो ज्ञान योग में शारीरिक क्रिया कम है लेकिन मानसिक क्रिया बौद्धिक क्रिया अधिक है. And he will learn that there's a super soul within the heart, there's the Lord in the heart, and there's not one soul but there's two souls. तो वो ज्ञान योग के द्वारा उसको ये जानकारी प्राप्त होती है कि हर एक के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है, और केवल शरीर में परमात्मा नहीं लेकिन आत्मा भी है. तो ये दो प्रकार के आत्मा, आत्मा और परमात्मा हर एक के हृदय में है. So there's this relationship between the living entity, the jivatma, and the paramatma, the supreme soul. And he thinks about meditation and wants to meditate on the supreme soul. तो इस प्रकार से उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारा परमात्मा के साथ जीवात्मा का नित्य संबंध है, और उनके दर्शन के लिए अनुभूति के लिए फिर वो ध्यान योग का अभ्यास करता है. So from ज्ञान योग he comes to ध्यान योग, meditation. तो फिर ज्ञान योग के पश्चात वो ध्यान योग में आता है जो अपने अंतरात्मा में भगवान का दर्शन करे. कृष्ण डिस्क्राइब्स इन द 6th चैप्टर ऑफ भगवद गीता अबाउट अष्टांग योग. और छठवें अध्याय में गीता के भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग का वर्णन करते हैं. There are 8 steps in this yoga and it begins just like in our Krishna consciousness. There's yama, niyam, there's rules and regulations, things you should do, things you shouldn't do. तो जिस प्रकार से हम कृष्ण भावना में यम नियम का पालन करते हैं उसी प्रकार से अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, उसकी शुरुआत भी यम और नियम से होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. And then the Ashtanga yogis, they do asanas. In our Krishna consciousness movement, we also do a lot of bowing down and getting up and bowing down again and offering obeisances. And we also have this, you know, we do a lot of yoga in our Krishna consciousness. तो फिर हम देखते हैं कि अष्टांग योग में तीसरा भाग होता है वो आसन होता है. उसी प्रकार से हम देखते हैं हमारे कृष्ण भावना आंदोलन में हरे कृष्ण मंदिर में बहुत आसन करते हैं, बहुत दंडवत करते हैं, उठते खड़े होते हैं और फिर हाथ ऊपर उठा करके भी नाचते, तो बहुत सारा योगा हमारा मंदिर में हो जाता है. And then asanas, well, we also, after asanas, then there's pranayama, which Srila Prabhupada called the nose pressing yoga. और फिर आसन के बाद प्राणायाम होता है, श्रीला प्रभुपाद जिसको कहते थे नोज प्रेसिंग योगा, नाक पकड़ के योग करना. Like that, you know better than me. So the nose pressing yoga, we don't press the nose, but we do pranayama by chanting Hare Krishna.
तो हम कोई नाक पकड़ के उसको रामदेव बाबा का योगा नहीं करते, लेकिन हम जब नाम जप करते हैं तो फिर इसमें हमारा प्राणायाम हो जाता है. So you, there's some parallel activities between Dhyana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga. तो इसी प्रकार से भक्ति योग और अष्टांग योग में बहुत सारे parallels हैं. And after the pranayama, then they come to dharana, prachahara, dharana, dhyana, samadhi, the different stages of meditation and concentration. तो अष्टांग योग में फिर प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ऐसे अलग-अलग अंग का पालन किया जाता है. And the essential part of all that is controlling the mind. If the mind is not properly controlled, then it's going to be very difficult. तो ये सबका जो अष्टांग योग का जो क्रक्स है वो है मन को नियंत्रण में रखना. अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता. So we're always faced with this problem to make the mind obedient, make the mind get the mind to do what we want it to do. तो ये सबकी समस्या है कि मन को नियंत्रण में रखना, मन को एकाग्र रखना और जो हम चाहे वो मन करे. For one who has conquered the mind is a friend. But for one who has failed to do so, his mind is the greatest enemy. तो जिन्होंने मन को नियंत्रण में रखा है उसका मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो अनियंत्रित मन है वो सबसे महान शत्रु है. If the mind is a friend, you can elevate yourself. If the mind is not controlled, it's going to degrade us. तो अगर मन हमारा मित्र है तो हमारी उन्नति निश्चित है, लेकिन अगर मन अनियंत्रित है तो वो सबसे बड़ा शत्रु, हमारा दुर्गति करेगा. How are we going to learn to control the mind? तो कैसे हम सीखें मन को नियंत्रण में रखना? So in Krishna consciousness, we practice mental control simply by chanting Hare Krishna mantra. हम कृष्ण भावनावृत में मन को नियंत्रण में रखने का सबसे आसान तरीका है वो नाम जप करना, हरे कृष्ण मंत्र. And Chaitanya Mahaprabhu, every day he would take part in congregational chanting, the chanting of the holy names. और चैतन्य महाप्रभु भी अपने लीला काल में नियमित रूप से दर रोज नगर संकीर्तन कीर्तन में भाग लेते थे. There was a nice picture, if you ever saw our Back to Godhead magazine way back in the beginning of our movement, we had a very beautiful picture on the cover. The magazine used to be just black and white inside, but they would put a color picture on the outside. And on one of the issues, there was this beautiful picture of all the devotees, young devotees, and they were out on Sankirtan. तो हम जब शुरुआत में भगवत दर्शन जो मासिक है उसका जब उद्घाटन हुआ तो सारे अंदर के जो पन्ने होते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट में होते थे, लेकिन जो बाहर का कवर होता था वो हमेशा अच्छे कलर्स का होता था. उसमें बहुत पुराने इशू में एक फोटो आया था जिसमें कई सारे भक्तों के साथ कीर्तन का महाप्रभु आनंद ले रहे हैं. There's a big park in the city of Boston. And at that time we had our devotees who were there, they were doing painting pictures for Prabhupada's books and many other works for printing Prabhupada's books. Everything was there in Boston. तो बोस्टन में वहाँ पे पार्क है और जो भक्त थे वो हमेशा वहाँ पे अलग अलग पेंटिंग तैयार करते थे, क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथों में ये सारे जो चित्र लगाने होते थे तो उसकी सबकी तैयारी वही की जाती थी. And regularly the devotees would go out on Sankirtan and they go on to this place called the common land, which was right in the center of the city. तो बोस्टन के मध्य में ही कॉमन लैंड करके जगह थी, रोज भक्त वहाँ पे कीर्तन के लिए जाते थे. And all the men were dressed in their beautiful saffron robes with nice shaved heads, all white skinned, you know. And the ladies were all in saris, the same color. They all had the yellow saris on. तो उस समय सारे भक्त जो होते थे वो भगवे को कपड़े धारण किए हुए होते थे, जो युवा होते थे और सब अपना सर मुंडवा के तिलक ला के नाचते थे. उसी प्रकार से माताएं भी एक ही कलर की साड़ी पहन के कीर्तन में भाग लेती थी. So they were all out there on Sankirtan and everyone just looked so effulgent and so joyful and blissful. और जब वो कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे तो सारे लोग उनको देखते रहते थे, क्योंकि इतने वो प्रकाशित, इफल्जेंट, तेजस्वी होते थे और आनंदी होते थे. So they showed the photograph to Srila Prabhupada and he liked it very much. और वो कीर्तन का फोटो जो है वो प्रभुपाद जी को जब दिखाया गया तो प्रभुपाद उसको बहुत अच्छा लगा वो. And Srila Prabhupada said, "Yes, this is Sankirtan." और प्रभुपाद ने कहा, हाँ, ये संकीर्तन है. He said, "Everyone gets the mercy." सबको उसमें कृपा मिलती है. He gave the example. He said, just like if somebody comes with a gun, you can shoot one, you can shoot two, but if you bring the machine gun, तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि कोई अगर एक रिवॉल्वर लेके आता है तो वो एक गोली मारेगा, दूसरे को मारेगा, लेकिन अगर कोई मशीन गन लेके आता है तो एक साथ सबको वो मार सकता है. The machine gun kills everyone. Everyone gets the mercy. तो मशीन गन जब चलती है
तो सारे आतंकवादी एक साथ मारे जाते हैं. So Sankirtan is like that. Everyone gets mercy. तो संकीर्तन उसी प्रकार से सबको कृपा प्राप्त होती है उसमें. When we're all chanting, dancing, and you can feel the spiritual power of the holy name. जब हम कीर्तन गाते हैं, उसमें नृत्य करते हैं, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव करते हैं, शक्ति का अनुभव करते हैं. So this Hare Krishna movement, this is actually famous for. It's known all over the world for Sankirtan. तो ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है केवल एक चीज के लिए, वो है संकीर्तन आंदोलन. People go to London, they would ask people in London, what is it, which landmark do you like most when you think of London? What do you think of? Which do you think of a landmark? What place in London do you think of? तो जब कोई लंदन में जाके प्रश्न पूछे कि लंदन में कौन सा लैंडमार्क है, अगर आप लंदन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज या प्लेस आपके मन में कौन सी आती है? So they did a survey and they asked many people, what do you think of when you think of London? Many people said, Hare Krishna's chanting in the street. तो ये सर्वे जब किया गया तो सर्वे में पूछा गया लोगों को कि आप लंदन का जब याद निकालते तो आपको क्या याद आता है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम जब लंदन की याद करते हैं तो वहाँ पे जो भक्त हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं उनकी याद आती है. The devotees in the UK in London, every day they like to go out on Hari Naam and chant there. और लंदन में यूके में रोज वहाँ के भक्त जो है वो नगर कीर्तन करना पसंद करते हैं. On the weekends, they will get on Saturday night. They will have a huge crowd of devotees all go. और Saturday Sunday जब छुट्टी होती है तो कई सारे congregation के भक्त भी जुड़ जाते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं. And people are greatly benefited by hearing the holy name and seeing the devotees. और भक्तों का दर्शन करके और नाम कीर्तन सुनके सबको उसका फायदा होता है. So our Krishna consciousness movement is meant for giving the mercy to people. और हमारा कृष्ण भावना आंदोलन का ये उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कृपा पहुंचाए. एंड मर्सी कम्स पर्टिकुलरली इन द होली नेम, द चैंटिंग ऑफ द होली नेम. और कृपा की प्राप्ति होती है भगवान के हरिनाम के जाप से. डिफिकल्ट फॉर अस टू जस्ट सिट एंड चैंट. तो ये बहुत मुश्किल होता है केवल एक जगह पे बैठ के जप करें. We know the mind wanders. क्योंकि हमारा मन भागता रहता है जपा में. You sit here, you sit and listen, you're thinking, when's prasadam? जैसे आप अभी यहाँ पे बैठे हैं और श्रवण करें, लेकिन फिर भी आपके मन में आएगा, अरे प्रसाद क्या है, कब होने वाला है? How long is he going to go on for? ये स्वामी जी कितने समय तक बात करने वाले हैं? So the mind is always thinking like that. मन हमेशा इसी प्रकार से सोचता है. How to train the mind? माइंड को कैसे ट्रेन करें हम? So we have to, sometimes we give the example, sometimes training the mind is like a wild animal. तो मन का उदाहरण हमें एक जंगली पशु से देते हैं, खूंखार पशु. How to train the wild animal? तो खूंखार पशु कैसे ट्रेन किया जाता है? You know, I hear you have cougars around here sometimes. तो जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि आपके नासिक में बिप्टा बहुत फेमस है, घूमते रहते हैं बीच-बीच में अंदर. Did you ever catch one? Yes. Anyway, the wild animals, how do you train them? Well, first of all, put them in the cage. सबसे पहली बात है कि ऐसे जो खूंखार जानवर होते हैं, उनको सबसे पहले पिंजरे में बंद कर दो. Right? And then once they're in the cage, leave it there and let them get really hungry. और फिर जब वो पिंजरे में बंद हो जाएगा, तो उसको वही रहने दो और उसको बिल्कुल खाना मत खिलाओ. You have to do that with the mind as well. और मन के साथ हमें वही करना पड़ता है. You have to put the mind in a cage and make it starve. तो हमें मन को पिंजरे में डाल के उसको भूखा रखना पड़ता है. Starve the mind. Don't give the mind what it wants. मन को जो चाहिए वो बिल्कुल मत खिलाओ उसको. The mind will always say, "Don't chant Hare Krishna." मन हमेशा बोलेगा, नाम जप मत करो. Mind will say, "You chanted last week." आप जप करोगे तो थोड़ा वीक रह जाओगे. You chanted before. Why you have to chant again? You've chanted enough. You don't need to chant more. आपने बहुत जप कर लिया, इतना पहले किया, अभी कितना जप करोगे? बस हो गया इतना जप. The mind will always be trying to take us away from Krishna. और मन हमेशा प्रयास करेगा श्री कृष्ण से हमें दूर लाने के लिए. So when your mind is like that, you have to starve the mind. तो जब मन इस प्रकार से चाल चलेगा, तो सबसे पहले मन को आपको भूखा रखना होगा. Put it in a cage, just like that wild animal. जैसे जंगली जानवर को रखते हैं, उसी प्रकार से मन को भी पिंजरे में बंद कर दो. But you want to train that animal. लेकिन उस जानवर को हमें ट्रेनिंग भी देनी है. So then you beat it. तो उसको पीटा जाता है. You have to beat the mind. तो माइंड को भी, मन को भी मार पड़नी चाहिए. How do you beat the mind? और मन को कैसे पीटोगे आप? You make it do what it doesn't want to do.
तो जब मन नहीं चाहता है उसी चीज को मन को करवाना, उससे मन को मार पड़ती है. The mind doesn't want to chant Hare Krishna. क्योंकि मन को जप करने में कोई रस नहीं है. All right, I'm going to do it. लेकिन हम वो जप जरूर करेंगे. The mind doesn't want to eat prasadam. The mind wants to go to McDonald's or something. मन जो है उसको प्रसाद खाने की इच्छा नहीं है, उसको मैकडोनल्ड्स में जाके खाना खाना है. So, okay, I'm just going to eat prasadam. I'm not going to McDonald's. तो हमें मन को बोलना पड़ेगा, तो चुप, तुझे मैकडोनल्ड में नहीं, तुझे इस्कॉन मंदिर में प्रसाद खाना चाहिए. The mind wants to watch Bollywood movies. तो मन जो है उसकी इच्छा होती है कि बॉलीवुड की मूवीज देखो. All right, I'm going to read Bhagavad Gita. तो हमें मन को बोलना पड़ेगा कि चुप, तुझे पिक्चर नहीं मिलेगा, तुझे गीता मिलेगी. Mind goes, oh, no. तो फिर मन सर पे हाथ लगा के बोले कि नहीं, ये नहीं करना है मुझे. This is how you beat the mind. और ऐसे मन को मार पड़ती रहनी चाहिए. And then you feed the mind. और फिर मन को ट्रेनिंग मिलेगी. And you give it nice prasadam. तो फिर उसको अच्छा प्रसाद दो आप. You join the kirtan. कीर्तन में भाग लो. And chant and dance. कीर्तन में नाचो गाओ. And you feel the natural bliss of being Krishna conscious. और कृष्ण भावनामय होने से हमें स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति होती है. Krishna consciousness means to be blissful. कृष्ण भावना का मतलब है आनंदमय जीवन. Prabhupada had one servant, his name was Purushottam actually, and Prabhupada noticed that Purushottam, you cannot be in Krishna consciousness if you are morose. तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे उनके सेवा में, उनका नाम था पुरुषोत्तम. और प्रभुपाद ने उनको बोला, पुरुषोत्तम अगर तुम हमेशा दुखी रहोगे तो तुम कृष्ण भावना में टिक ही नहीं सकते. Devotee means joyful. भक्त का मतलब होता है वो आनंदी रहे सदा. We say prasannatma. Brahmabhuta prasannatma. One who is actually Krishna conscious, he's on the platform of Brahman. He's a joyful soul. तो जो भक्त होता है, जो प्रामाणिक रूप से कृष्ण भावनामृत का पालन करता है, वो प्रसन्न आत्मा होता है, हमेशा प्रसन्न रहता है. If we think we're the body, yes, we will be miserable. अगर हम ये सोचेंगे कि हम ये शरीर है, तो हमेशा ये शरीर पीड़ा देता रहेगा और दुखी करता रहेगा. It's miserable to be a material body. तो भौतिक शरीर बनके जीना ये बहुत ही दुखमय स्थिति है. But to be a spirit soul, to know that you're part and parcel of Krishna, we should be joyful. लेकिन जब यह अनुभव करते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक चित्तकण है, उनके अंश है, तो उसमें हम आनंद का अनुभूति करते हैं. And that spiritual nature is there in all of us. और यह आध्यात्मिक स्वभाव हम सबके अंदर है. We just have to awaken it. उसको केवल हमें जागृत करना है. By this chanting and dancing, hearing about Krishna. तो श्रवण कीर्तन इत्यादि के द्वारा उसको हमें उजागर करना है. And eating nice prasadam. और अच्छे से प्रसाद भी खाना है पेट भर के. Having nice association. और अच्छे सत्संग में भाग लेना है. In this way, our life can be perfect. और इस पद्धति से हमारा मनुष्य जीवन की पूर्णता को हम हासिल करेंगे. Okay, any question? किसी का कोई प्रश्न है? Yes. So he is saying that all the paintings are of God. How come a human being knows that how God looks like? Yes? Yes. Hindi? हाँ, हमारे ये बहुत bright student ने प्रश्न पूछा है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कई सारे भगवान के पिक्चर निकाले या पेंटिंग्स निकाले हैं, लेकिन जिन्होंने भी पेंटिंग निकाले उनको कैसे पता कि कृष्णा ऐसे दिखते हैं? We have to hear. You have to hear about God. He's described. For us, in the scriptures, you read Srimad Bhagavatam, you get a lot of descriptions about God. तो हमें इसके लिए श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए, जैसे हमारे वैदिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, इसमें भगवान श्री कृष्ण को जिन्होंने दर्शन किया उनका विस्तृत वर्णन उन्होंने करके रखा है भागवत में. How do you know there's a country called America? तुम्हें कैसे पता है कि अमेरिका नाम का देश है? You heard about it. क्योंकि तुमने सुना है अमेरिका के बारे में. Prime Minister Modi in India. तुम्हें कैसे पता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी है? You heard about him. You heard about him, right? आपने सुना है ना उनके बारे में? Yeah. So the same way we hear about God, we hear about Krishna. He's described. It's all descriptions are there. तो हमारे वैदिक साहित्य में भगवान कैसे दिखते हैं उसका पूरा वर्णन जो है वो दिया गया है. You have to read Srimad Bhagavatam. तुम्हें भागवत को पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. You can read not only descriptions of Krishna, but you can hear also the descriptions of his abode.
केवल श्री कृष्ण का वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण जहाँ पे रहते हैं उस धाम का वर्णन भी श्रीमद् भागवत में आता है। And when you hear the descriptions, then you'll be more attracted to go there. और जब उसको पढ़ोगे और सुनोगे तो तुम्हें भी इच्छा होगी कि मुझे भी श्री कृष्ण के साथ रहना है, उनके साथ खेलना है। So Krishna give all of this information is given to us just to attract us. तो ये सारी जानकारी हमारे वेदों में दी गई है केवल हमें आकर्षित करने के लिए। And Krishna, Lord Krishna came here and performed many different pastimes just to attract us. तो श्री कृष्ण खुद अवतार लेके आए थे और उन्होंने कई सारी लीलाएं की ताकि हमें आकर्षित करे। When we hear about Krishna's activities and the wonderful things he does, then we're more attracted to want to go there to be with him. तो हम जब ग्रंथों से श्रवण करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनके उनके रूप के बारे में, तो हम आकर्षित हो जाते हैं, उनकी तरफ जाना चाहते हैं हम। Do you want to go there? Yes. Oh, good. Hare Krishna, my question is, the Mayavadis say that the God, the Krishna and all these avatars of him are Mayopadhik. They are under influence of Maya. And they say that bhakti, what we do is level one. And the ultimate goal is getting merged into the formless. So how to counter this argument? Well, we can counter... So ye bahut satik prashna pucha hai. कि मायावादी लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो जब अवतार लेते हैं तो निराकार ब्रह्म जब माया उपाधि हो जाता है तो माया का रूप लेके वो आते हैं, तो भक्ति योग ये केवल पहला स्तर है अध्यात्म का, उससे प्रगति करोगे तो निर्विकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओगे, तो इसको कैसे समझे लोगों को, इसको खंडन करें? वी काउंटर इट बाय भगवद गीता। लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ स्पीक्स ऑफ भगवद गीता एंड ही सेज दैट ही इज द बेसिस ऑफ द ब्रह्मांड। तो इसके लिए हमें गीता को पढ़ना चाहिए क्योंकि गीता में खुद कृष्ण समझाते हैं कि जो जो निराकार ब्रह्म है उसका स्रोत स्वयं श्री कृष्ण है। ब्रह्मानो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य वैयास्य। कृष्ण से आई एम द बेसिस ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्मान। ही डजंट से ब्रह्मान इज द बेसिस ऑफ मी, ही से आई एम द बेसिस ऑफ द ब्रह्मान। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ब्रह्म का मैं स्रोत हूँ, ऐसा नहीं कि ब्रह्म मेरा स्रोत है, ये गीता में खुद श्री कृष्ण स्वीकार करके हमें सबको बताते हैं। So that Brahman, that oneness, that is the effulgence which comes from the body of Lord Krishna. और ये जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, ये श्री कृष्ण के शरीर की दिव्य कांति है। Everything is there. Everything comes from Krishna. Everything material and spiritual, it all has its origin in Lord Krishna. गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं कि जो भी भौतिक या आध्यात्मिक निर्माण होता है, सृष्टि होती है, उन सब के स्रोत एकमात्र मूल श्री कृष्ण है। If you're saying ultimately everything is Brahman, then nothing is real. तो अगर आप ये कहोगे कि सब कुछ ब्रह्मन है, तो फिर ये जो भी बाकी कुछ है, वो real नहीं है. That means you're not real. तो फिर तुम भी real नहीं हो. And your wife is not real. आपका परिवार भी real नहीं है. And your children are not real. आपके बच्चे माता-पिता वो भी real नहीं है. Does that make sense? तो क्या कोई सेंस करता है इसमें? The feeling which you have for your family, for your loved ones, it's not real. It's just illusion. तो अगर ये कहा जाए कि आपके परिवार के प्रति जो आपका संबंध है, प्रेम है, अफेक्शन है, केवल ये भ्रम है, माया है। We have to understand how logical is that kind of philosophy. तो ये तत्वज्ञान कितना तर्क दे सकता है, ये हमें समझना चाहिए। No, we understand all living entities are parts and parcels of the Supreme Lord. हम ये मानते हैं कि सब जीवात्माएं श्री कृष्ण के अंश हैं। And we do have feelings for our loved ones, for our family, for our children and our husband or wife, because they're also part of Krishna. तो हमारा भी हमारे परिवार के लोगों के प्रति स्नेह होता है, संबंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो भी श्री कृष्ण के अंश हैं, इसके लिए उनके प्रति स्नेह होता है। We're eternally parts of the Supreme Lord. और हम सनातन अंश हैं श्री कृष्ण के। So we have to understand everything in relationship to the Supreme. तो हमें हर एक जो चीज है वो श्री कृष्ण के संबंध में देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। But if you're saying everything is coming from Brahman and ultimately there's only the Brahman, then nothing else is real. The world is all simply illusion. तो अगर सब कुछ ब्रह्म है और सब एक है, तो फिर ये भौतिक जगत जो है, ये भी असत्य है, ये भी झूठ है। But still people are very expert to enjoy it. लेकिन फिर भी वो सब लोग जो ऐसा बोलते हैं, इस भौतिक जगत का बहुत भोग उठाते हैं वो। They speak this philosophy, but they don't act on that philosophy. तो लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, लेकिन वो उस प्रकार से जीवन नहीं जीना चाहते। So that's the difference with the Krishna conscious philosophy.
that what we present in Krishna consciousness, we act according to that. We do as we talk. तो ये फर्क है मायावाद में और कृष्ण भक्तों में, क्योंकि कृष्ण भक्त जो प्रचार करते हैं, जो तत्व ज्ञान समझाते हैं, उसको जीते भी है, जी के दिखाते हैं वो. It's not just sit and talk and you talk philosophy and do nothing, smoke cigars and drink whiskey and think, oh yeah, great philosophy. केवल ऐसी बात नहीं, केवल आप आम चेयर पे बैठ के फिलोसॉफी झाड़ो, आप तत्व ज्ञान झाड़ो, बात करो, और वो होने के बाद फिर आप सिगरेट भी स्मोक करो और शराब भी पियो. There are Vedantic societies like that. They will sit in the big armchairs and they'll smoke and they'll drink and they'll talk philosophy of Vedanta. They don't follow anything. तो ऐसे जो वेदांतिस्ट होते हैं समाज में, कि जो वेदांत के ऊपर चर्चा तो खूब करते हैं, लेकिन उस चर्चा में रंग लाने के लिए वो सिगरेट भी स्मोक करेंगे और शराब भी पियेंगे, लेकिन ऐसे वेदांतियों का क्या लाभ? But in Krishna consciousness, we speak, we act as we speak according to what we're speaking. We also act that way. लेकिन कृष्ण भावनामृत में हम देखते हैं कि जो हम प्रचार करते हैं, केवल प्रचार नहीं करते, लेकिन अपने जीवन में उतार के भी दिखाते हैं. We apply the philosophy. ये तत्वज्ञान जो हम प्रचार करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं practically. Not just some words we speak and then do the opposite. हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक बात करेंगे और फिर उसका आचरण अलग करेंगे. हरे कृष्णा, डनवर्ट, प्रणाम स्वामी जी. माय क्वेश्चन इज हाउ टू बी हम्बल. हाउ टू बी हम्बल, तो वेरी गुड क्वेश्चन. यस, हाउ टू बी हम्बल. तो हमारे विश्वजीत ने प्रश्न पूछा है कि नम्र कैसे होना चाहिए, कैसे नम्र बन सकते हैं हम. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट द बॉडी. तो पहले हमें यह समझना होगा कि हम ये शरीर नहीं है. वी आर ऑल स्पिरिट सोल. हम सब आत्मा है. And when you understand that you're not the body, that you're a spirit soul, then you should understand the dimension of the soul. तो हम जब यह समझ लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर हमें आत्मा का जो रूप है या आत्मा का जो उसका आकार है, वो भी समझना चाहिए. Do you know the size of the soul? आत्मा की साइज आपको पता है कितनी है? Yeah, the 100th of 100th of the tip of the hair. तो हमारे जो बाल है, अपना अपना जो आत्मा है, उसकी साइज है कि हमारे बाल का जो अग्रभाग है, उसका अगर 10,000 टुकड़े कर जाए, तो एक टुकड़े की साइज जो है वो आत्मा का आकार है. Not very big, right? तो हम कोई बहुत मोटे नहीं है. So our ego should be in proportion to our dimension. तो हमारा ईगो जो है वो हमारे आकार के साइज के हिसाब से होनी चाहिए. Then you be humble. तो फिर हम जब हमारा अहंकार हमारे साइज के हिसाब से हो जाएगा, तो हम नम्र माने जाएंगे. Lord Chaitanya said, "Trinadapi sunichena, think of yourself lower than a straw in the street." चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि हम सबको एक तृण से भी ज्यादा नम्र होना चाहिए. How to think of that we're lower than the straw in the street? We should think, I am not the body, I'm a soul. I'm 100th of 100th of a tip of a hair. तो ये कब संभव होगा कि हम अपने आप को तृण से भी तुच्छ मानेंगे? जब हम ये समझेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और हमारी जो साइज है ओरिजिनल, वो बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से की है. So Lord Chaitanya is teaching us how to be humble. तो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते किस प्रकार से नम्र होना चाहिए. He says, be tolerant like the tree. हमें वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए. Offer all respect to others. और हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए. And don't be anxious to be respected. और खुद के पूजा लाभ के लिए हमें ज्यादा लालायित नहीं रहना चाहिए. And then you can constantly chant the holy name. और उस स्वभाव में हम नाम जप प्रामाणिकता से सतत कर सकते हैं. So if you cannot remember that you're not the body, that you're a little soul, just try to remember to chant Hare Krishna. अगर हम ये समझ नहीं पा रहे या स्मरण में नहीं रख पा रहे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो केवल एक काम करो, नाम जप हरे कृष्णा का करते रहो. By chanting Hare Krishna constantly, you will become very humble. अगर हम नियमित रूप से सतत नाम जप करेंगे हरे कृष्ण मंत्र का, तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे नम्र बन जाएंगे. गारंटीड. गारंटी है इसकी. यस, yes.
He is asking that if I am failing in my material life, and if then after failing everywhere, if I am going to Krishna, is it me making selfish because I am failure everywhere, that's why I am going to Krishna? No, it's not selfish. Rather, it's selfless. To go to Krishna, you have to be selfless, not selfish. तो जैसे यहाँ पे हमारे इन्होंने प्रश्न पूछा है कि अगर मैं सब जगह पे जब मैं पराभूत होता हूँ, सब जगह पे मुझे फेल्यूर आता है, उसके बाद मैं कृष्ण के पास जा रहा हूँ, तो क्या मैं स्वार्थी हूँ इसके लिए जा रहा हूँ? तो महाराज जी कह रहे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल जो निस्वार्थी होता है वही कृष्ण तक जा सकता है. Selfish people, they're the ones who want to be successful in the material world. They want to compete with everyone and do better and enjoy this world. तो स्वार्थी लोग जो होते हैं उनको इस दुनिया में बहुत अचीव करना है, उनको बहुत कुछ चीजें चाहिए, उनको कॉम्पीट करना है, उनको सबको पीछे छोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा भोग करना है. ये स्वार्थी लोगों की वृत्ति है. But the Krishna conscious person is selfless because he wants simply to satisfy the Supreme Lord. लेकिन जो भक्त है भगवान का वो निस्वार्थ होता है क्योंकि उसके हृदय में एक ही इच्छा होता है किस प्रकार से कृष्ण को संतुष्ट किया जाए, प्रसन्न किया जाए. And the Supreme Lord is situated in the hearts of all living entities. और वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हरेक हृदय में परमात्मा के रूप में है. So one who is a servant of the Supreme Lord is performing welfare work which is beneficial for all society. तो जो भी व्यक्ति ऐसे परमात्मा जो हर एक के हृदय में उनको प्रसन्न करना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, तो समाज में वो सबका भला कर रहा है. It's not that he's just doing it only for his own benefit. तो ऐसा नहीं कि ऐसा भक्त केवल स्वार्थ के लिए सब कुछ अपने खुद के लिए कर रहा है. Rather, one who becomes Krishna conscious, he will feel compassion for other living entities and he will think how to deliver them. तो जब कोई भक्ति योग में प्रगति करता है तो उस हृदय में करुणा जागती है और हमेशा सोचता है किस प्रकार से बाकी लोगों का भी इसमें भाग हो, उनको भी प्रगति प्राप्त हो. A devotee is not just thinking about his own deliverance, but he thinks about how to deliver others. तो जब कोई कृष्ण भक्त बनता है उनके प्रति शरणागत होता है तो वो स्वार्थी नहीं होता, केवल अपने बारे में नहीं सोचता, वो सबका भला चाहता है, सबको आध्यात्मिक जीवन में लाना चाहता है. Srila Prabhupada said, we're making these Krishna conscious centers. He said they're a base for our armies to go out and fight Maya. तो श्रील प्रभुपाद जी बताते कि हमारे जो हरे कृष्ण मंदिर है ये आर्मी का बेस है, यहाँ पे हमारे भक्त ट्रेनिंग ले और फिर बाहर जाके माया से युद्ध करें. To give the message of Krishna to everyone. तो कृष्ण का संदेश हर जीव तक पहुँचाए. And everyone who hears the name of Krishna, they're all benefited. और जो भी भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते हैं वो लाभान्वित होते हैं. There was one devotee, Vasudev Datta, he said to Lord Chaitanya Mahaprabhu, he said, let me stay here and suffer the sins for all the living entities and let them all go back to Godhead. तो चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत महान भक्त थे वासुदेव दत्त, उनकी चेतना इतनी उदार थी, उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव है उन सबका पाप का फल मुझे दे दो, मैं ये भुगतूंगा, लेकिन इन सब जीवों का उद्धार करके इनको आप मोक्ष दिला दो भगवान. Lord Chaitanya was very pleased to hear this mood. He said, oh, this is just like the mood of Prahlad Maharaj. तो महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए और महाप्रभु ने कहा कि इतना अच्छी बात है, ये प्रहलाद महाराज की चेतना है. In our own society, one time Srila Prabhupada came to Vrindavan and one of his sannyasis was there, a young American man, and he was saying to Prabhupada, Prabhupada, I like this Vrindavan so much, I just want to stay here in Vrindavan my whole life. तो श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन के मंदिर में एक बार आए थे तो उनके एक सन्यासी शिष्य थे अमेरिका के, वो कहे कि प्रभुपाद जी वृंदावन का वातावरण इतना आध्यात्मिक और शुद्ध है, मेरी यही इच्छा है कि पूरे जीवन भर मैं इसी धाम में निवास करूँ. But Prabhupada said to him, your duty is to give Vrindavan to others. Srila Prabhupada ne kaha lekin tumhara kartavya hai is Vrindavan dham ko dusron ko dena. It's not just for our own self that we become Krishna conscious, but we think with compassion for others. To hum keval apne swarth ki purti ke liye Krishna bhakti nahi karte, lekin isko dusron ko bhi baante, unka bhi bhala ho iske liye karte. So everyone who hears the chanting of the devotees when we go for sankirtan, they hear the holy name, they're benefited. तो जो भी भक्त बनता है और जब वो नाम जप करता है, नगर कीर्तन करता है, जब लोग ये सुनते हैं, सबको उसका पूर्ण लाभ होता है. Everyone who takes prasadam, food offered to the Lord, they get great spiritual benefit.
जो भी व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है भगवान को अर्पित किया हुआ, उसको वो प्रसाद ग्रहण करने से बहुत आध्यात्मिक उन्नति का लाभ होता है। People come here, see the deities, Radha Madan Gopal, they're greatly benefited. जब कोई भी इस मंदिर में आता है और राधा मदन गोपाल जी का दर्शन करता है तो वो बहुत लाभ प्राप्त करता है। We don't build this temple just for ourselves. तो ये मंदिर के हम खुद के लिए नहीं बनाए हैं। It's open for everyone to come. ये सबके लिए खुला है, सब लोग आ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। So Krishna consciousness is not something which we do just for our own benefit. तो कृष्ण भक्ति योग का अभ्यास करना केवल खुद के लिए नहीं है, लेकिन उसमें सबका लाभ होता है। Although that may be there initially in the beginning. तो शुरुआत में हो सकता है कोई व्यक्ति स्वार्थ के लिए ये सब करे। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna does describe four kinds of people who come to Krishna consciousness. तो गीता में श्री कृष्ण चार लोगों के बारे में बताते हैं जो भगवान के आश्रय को स्वीकार करते हैं। चतुर्विदा विजन्ति मम ज्ञान सुकृति नो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुर आर्थाति ज्ञानी चा भरतर्ष भव। फोर रीजंस, वन इज पीपल इन डिस्ट्रेस। चार प्रकार के लोग श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं, उसमें से पहले जो होते हैं आर्त होते हैं, दुखी होते हैं, वो श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं। दैट्स द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर पीपल कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो श्री कृष्ण की तरफ आने का ये सामान्य कारण है कि लोग जब दुखी होते हैं तो दुख के कारण वो आते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में पीपल आर इन ग्रेट डिस्ट्रेस। सब लोग चिंता में, दुख में हैं। एंड अदर पीपल मे बी देयर इन सर्च ऑफ सम काइंड ऑफ वेल्थ। Some people are curious, some are in search of knowledge. They come to Krishna for different reasons. तो फिर कुछ लोग संपत्ति के लिए भगवान के पास आते हैं, कुछ लोग जो है उनको क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है क्या है देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग ज्ञान के कारण, ज्ञानी होने के बाद आते हैं। So that's initially in the beginning, but once they come into Krishna consciousness, then they will naturally become more compassionate and concerned for the welfare of others, not just for themselves. तो शुरुआत में कोई हेतु के कारण वो भक्ति में भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन जब भक्ति योग का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे बहुत उदार हो जाते हैं और दूसरों के प्रति दया भावना होती है और दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। And if you come and see the activities of the devotees, what are the devotees doing here? They're not just thinking only for their own self, but they go out, they go places, they go to meet people and to teach them and to share what they know. तो यहाँ पे अगर आप मंदिर में देखेंगे तो यहाँ पे भक्त केवल स्वार्थ के लिए नहीं रहते या खुद के उद्धार के लिए नहीं होते, लेकिन वो चाहते हैं कि जो हमने सीखा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, उनको भी उसका लाभ हो और वो भी आध्यात्मिक प्रगति करें। Is that clear? Okay, thank you, Prabhu. Yes. Any other questions? किसी का और कोई प्रश्न है? माताजी, so we have to understand the yoga ladder brings us, the culmination of the yoga ladder is to come to bhakti yoga. It's at the top of the yoga ladder. To hame ye samajhna chahiye ki hum jo bhi karma yog ki shuruaat ki hai uska parmochch bindu jo hai wo bhakti yoga hai, bhagwan ki bhakti ko swikar karna hai. So Bhagavad Gita shows you could go step by step from karma yoga to jnana yoga to dhyana yoga and then come to bhakti. तो गीता में स्टेप बाय स्टेप वर्णन किया कि पहले कर्मयोग होता है, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद में ध्यान योग होता है और फिर बाद में चलकर भक्ति योग होता है। In other words, that would take a long time. Of course, it would be many lifetimes before you may ever come to bhakti. लेकिन अगर कोई इस मार्ग से जाने का प्रयास करे तो भक्ति योग तक पहुंचने के लिए उसको कई सारे जन्म लग सकते हैं। And you may never come to bhakti. You may get lost in the way. और हो सकता है कि बीच में हम कहते तो भटक जाए, कभी भी भक्ति योग के स्तर तक न आए। But we can immediately take to bhakti yoga. We can immediately take up this process of bhakti yoga. लेकिन अभी और तुरंत हम इस भक्ति योग की शुरुआत कर सकते हैं। Srila Prabhupada gives the example. He said, somebody is living on the 20th floor. Now you could walk up the stairs, but it's much easier to take the lift up. तो प्रभुपाद उदाहरण देते, कोई अगर 25वें माले पे रह रहा है तो कोई व्यक्ति चढ़ के जा सकता है, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन आसान तरीका है कि लिफ्ट में चढ़ जाओ और लिफ्ट के थ्रू ऊपर चले जाओ। So bhakti yoga is like that. We get in the lift, simply press the button and you get to the top. तो भक्ति उसी प्रकार से, लिफ्ट में बैठो, लिफ्ट में खड़े रहो और बटन दबाओ और आप टॉप फ्लोर पे पहुंच जाओगे। Very quickly you can make advancement. You can come to the highest level of yoga. अगर हम भक्तियों का प्रामाणिकता से अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी ही हम योगा के परमोच्च सिद्धि को हासिल करेंगे। The other yoga processes take a long time.
बाकी के जो योगा पद्धति है उसमें बहुत समय लगता है. They're very challenging and difficult. वो बहुत मुश्किल भी है और बहुत चुनौती है उसमें. But the bhakti yoga process is very natural and joyful. लेकिन भक्ति योग जो है वो बहुत स्वाभाविक है आत्मा के लिए और बहुत ही आनंद पूर्ण तरीके से हो सकता है. And you can actually see when people become devotees that maybe before their devotees are very ordinary, but after they become devotees, they spend a little while in the Krishna consciousness movement, they become transformed. हम देखते कई सारे भक्तों के जीवन में कि पहले के जीवन में बहुत साधारण व्यक्ति थे लेकिन जैसे भक्तियों का अभ्यास शुरू कर दिए तो बहुत बड़ा परिवर्तन उनमें देखा जाता है. You can all, you all have this opportunity. Take up this Krishna consciousness. तो आप सबके पास ये सुवर्ण संधि उपलब्ध है. कृपया कृष्ण भावना को गंभीरता से लीजिए. You don't have to change your life. You don't have to give up your job or give up your family or anything. Just simply add that consciousness of Krishna. तो हमें इसके लिए कोई जॉब छोड़ना नहीं है, परिवार छोड़ना नहीं है, जीवन छोड़ना नहीं, लेकिन केवल कृष्ण भावना से जुड़ना है. चैतन्य महाप्रभु would quote scriptures. He said, "Stani stita shuti gatantan vanmanobir ye prayaso jita jito piya sitai strilokyam." Simply stay in whatever position you're in and hear about Krishna in the association of devotees. तो श्रीलोक चैतन्य महाप्रभु हम सबको ये बताते हैं कि आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जहाँ पे हो रहो, लेकिन भक्तों के संग में आके प्रामाणिक रूप से श्रवण करो. And in this way, you will conquer Krishna. Although Krishna is unconquerable, he becomes conquered by the love of his devotees. तो जब कोई इस प्रकार की पद्धति को अपनाता है, तो जो भगवान अजीत है, जिनको कोई जीत नहीं सकता, वो भी जीते जा सकते हैं अपने भक्तों के प्रेम के द्वारा. And that love for Krishna is there in your heart. और ये कृष्ण प्रेम जीतने के लिए सबके हृदय में है. We just have to remove the covering. लेकिन उसके ऊपर जो परत चढ़ी है धूल की, उसको साफ करना है हमें. So the loud chanting of the holy name will do all that. और हम जब जोर से कीर्तन करेंगे तो ये निश्चित रूप से जल्दी हो जाएगा. Chant, but chant regularly, make it a regular program. लेकिन इसको नियमित रूप से रोज करना चाहिए ताकि उसका लाभ मिल सके. And there's no rules in this chanting. You can chant anytime, any place. तो ये जब हम कहीं पे भी कर सकते, कोई नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं. So we encourage everyone. This is the most important activity of the devotee, to chant the holy name. तो ये भक्त की सबसे बड़ी क्रिया है कि भगवान के नामों का जप करना. In Kali Yuga, there's no other way, really. कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है. So, thank you very much for all your time. Hare Krishna. You're very kind. I didn't say very much, but somehow you're appreciating. So I don't know why I didn't say anything very significant, but thank you so much for your kindness. तो महाराज जी सबको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप सब लोगों ने इतने दिन से श्रवण किया. मैं कोई बहुत ज़्यादा नई बातें नहीं बताई, केवल गुरु परंपरा की बातें दोहराई, लेकिन फिर भी आपने उसको ध्यानपूर्वक सुना, तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका. तो सबसे पहले वी वुड लाइक टू थैंक हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज. फ्रॉम लास्ट वेनसडे ही इज कंटिन्यूसली गिविंग हिज एसोसिएशन टू ऑल ऑफ यू एवरी मॉर्निंग एंड मेनी प्लेसेस इन द हाउसेस. ही इज कंडक्टिंग प्रोग्राम्स एंड गिविंग हिज वैल्यूएबल टाइम एसोसिएशन एंड डेवलपिंग अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस. एंड महाराज वी कैन अंडरस्टैंड एट द एज ऑफ 73 हैविंग एटलीस्ट 4 to 5 प्रोग्राम्स एवरी डे ऑनलाइन ऑल्सो एंड ऑफलाइन ऑल्सो एंड गाइडिंग सो मेनी डिवोटीज. So this is our greatest fortune to have you in Nasik, in the holy city of Shri Ram, and the temple of Srila Prabhupada Radha Madan Gopalji, and would like to request you on behalf of Shikshashtakam Prabhu and all the assembled devotees that you please frequently visit this place and give your valuable association to all of us. तो महाराज जी को धन्यवाद देना चाहेंगे हृदय से कि जो भी समय उन्होंने हम सबके लिए दिया, अपना अनुभव, अपनी भक्ति सबके साथ शेयर की, जो निस्वार्थ भावना का मूर्तिमान उदाहरण है. क्योंकि आप देखोगे कि जब से महाराज जी नासिक में है, रोज सुबह का भागवतम क्लास उन्होंने दिया है, भले वो रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो. और हमने ट्राई किया कि महाराज जी आप ज़्यादा क्लास मत दो क्योंकि सर्दी हो गई, आपको तकलीफ हो सकता है, लेकिन कहा नहीं, मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मैं रोज क्लास दूंगा. और भले 10 लोग आए 20 लोग आए, महाराज जी ने अपना सबके लिए कथा जो थी वो यहाँ पे की. तो महाराज जी को हृदय के साथ धन्यवाद देना चाहेंगे 3 बार जोर से हरिबोल बोल के.
हरी बोल हरी बोल हरी बोल।